भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने किया देवारा खास राजा में हो रही कटान का दौरा। कटान पीड़ितों में बाटी त्रिपाल, पीड़ितों ने दी दुआएं। ब्यूरो चीफ आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आजमगढ़। आजमगढ़ रौना पार सगड़ी तहसील के उत्तर में बहने वाली वाली घाघरा जैसे जैसे घट रही है, अपनी तटवर्ती क्षेत्रों में कटान तेज कर दी है। अब तक देवारा खास राजा के तीन पूर्वे, मुरारी का पूर्वा, त्रिलोकी का पूर्वा और भीमली के पूर्वा घाघरा में विलीन हो चुका है। उच्च प्राथमिक विद्यालय देवारा खास राजा बघावा घाघरा की कटान की चपेट में आ चुका है। खाना पकाने के लिए जगह नहीं है, मवेशियों के चारे का संकट छाया हुआ है। हर वर्ष बाढ़ के कहर से नदी के किनारे बसे गांवों के लोग परेशानियों से जूझते रहते हैं। हर बार अपना घर बनाते हैं लेकिन बाढ़ उनके अरमानों पर पानी फेर देती है। इस वक्त एक दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं जिनके मकान पक्के हैं वह घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। गरीबों की झोपड़ियों में पानी भरा है, शौचालय भी पानी से लबालब हैं। शौच करने के लिए लोगों को काफी दूर जाना पड़ रहा है। पानी के सड़ने से दांत, खाज, खुजली व अन्य प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मवेशियों के लिए चारे का संकट गहरा गया है। बाढ़ क्षेत्र में हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है। ऐसे हालात में आज करीब 2 बजे भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने देवारा खास राजा के बघावा में हो रही कटान का दौरा किया। वह जिन लोगों का मकान घाघरा में विलीन हो चुका है उन लोगों को त्रिपाल देने का कार्य किया। सैकड़ों लोगों को त्रिपाल देने का कार्य किया ताकि लोग खुले आसमान में न रहे। बेचू यादव ने बताया कि लगातार हो रही कटान से देवरांचल के लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन घाघरा में विलीन हो चुकी है। बाढ़ आने से लोगों की मुख्य फसल गन्ना तथा धान बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। मैं लगातार बाढ़ पीड़ितों से मिलने का कार्य करता रहा हूं। आपको बताते चलें कि 10 रोज पूर्व श्री बेचू यादव ने बाढ़ पीड़ितों को अपने पास से नाव के लिए 30,000 रुपये सहायता करने का भी कार्य किया था ताकि लोग नाव खरीदकर अपने रोजमर्रा की सामान को लेने के लिए बाजार पर जा सके। इस मौके पर कमलेश यादव, जुगल किशोर सिंह, रामसमुज, सीता राजभर, चंद्रजीत चौहान, अमरनाथ विश्वकर्मा, प्रभुनाथ वैजनाथ, गिरजा शंकर यादव, हरिराम चौहान, रामानुज यादव, हरिराम आदि लोग उपस्थित रहे। करता होगा जिसका कोई आश्रय नहीं रह गया है, लेकिन उसकी सुध लेने के लिए ना कोई लेखपाल आया, ना कोई SDM आया, ना कोई BDO आया, ना सेक्रेटरी आया, कोई आज तक सुध ही लेने वाला नहीं है। माने यहाँ देवारा के जो कटान क्षेत्र के जो लोग हैं यह कितनी दुर्दशा झेल रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कितनी परेशानी के बेचारे सब झेल रहे हैं सब। मैं जब आया हूँ तो ये देखा हूँ कि यहाँ पर आज इनकी ज्वलंत समस्या है, जिसका घर कट गया है। तो कम से कम इन लोगों को एक त्रिपाल की व्यवस्था मैं किया हूँ, घर घर जा करके लोगों के दरवाजे दरवाजे जा करके एक त्रिपाल की व्यवस्था किया हूँ कि त्रिपाल रहेगी, कम से कम एक छाया तो हो जाएगी क्योंकि बारिश का समय है। दूसरे घर किसी तरीके से जाकर लोग रह रहे हैं तो एक त्रिपाल रहेगी, थोड़ा सा उनको एक